अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपने उंगली बनाने जा रहे एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक सब्ज़ी के अंदर में, जिसका नाम है एग प्लांट पिज्ज़ा, यानी कि जो बैंगन है उसका पिज्ज़ा बनाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे एज ए स्टार्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पार्टी तरह में। बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार, और प्लस नॉट फॉरगेटिंग हेल्दी भी होता है। सबसे पहला काम, हमने इसका एक सॉस बनाना है, तो आपको एक बोल चाहिए। उसमें आप डालेंगे आधी चम्मची पिसी हुई लाल मिर्चें, आधी चम्मच टीस्पून जो है काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पर सॉल्ट जाएगा। लहसुन मेरे पास चार जवे थे, ठीक है, उसे मैंने अच्छे से यहाँ पर क्रश कर लिया था, उसको अच्छे से पीस लें, ठीक है। और फिर उसके बाद अब बीच में डालते हैं तेल, तीन टेबलस्पून भर कर, ठीक है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास बैंगन है 500 ग्राम यानी कि आधे किलो जितनी, उसे आपने पहले धो लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है काटने के बाद मत धोइएगा, सिंपली जो है आपने इसको टिश्यू के साथ में एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है ऊपर से दबा करके रिमूव कर लें। और अब आपने जो है बेकिंग ट्रे के ऊपर आपने फॉइल रख लें, बेकिंग पेपर जो आपके पास हो वो लगा लें, और अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर, क्योंकि ये बेक होगा। तो यहाँ पर जो हमने ये बनाया था ऑयल का मिक्सचर, ये आप तमाम के ऊपर अच्छे से पहले लगा लें, अच्छी तरह से कवर कर लें इसके साथ में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छी तरह आपने इसको लगा लिया, अब आप इस पर लगाएंगे पिज्ज़ा का जो कि है सॉस, मैंने आपको घर पर बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। देखिए इसकी मिकदार कुछ नहीं खास नहीं है, लेकिन एक कप जितना आपके पास होना चाहिए, इट डिपेंड्स कि कितने बड़े बैंगन आपको मिलते हैं, ठीक है ना। और इसी के से आपने जो है सॉस इनके ऊपर लगानी है, तो तमाम को पहले सॉस के साथ में कवर करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनता है, हम हर वक्त जो है गोश्त की चीज़ें ही बनाते हैं, थोड़ा सा ज़रा आपको डिफरेंट दे रहे हैं कि आप इसको इन्जॉय कीजिएगा। तो इसी से तमाम को पहले कवर करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ आपने सॉस लगा ली, उसके बाद आप इस पर डालते हैं चीज़, ठीक है। मोज़रेला डाल लें, चेडर आपकी अपनी चॉइस पर है, मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला की चीज़, ठीक है। आपने जो है इसके ऊपर लगानी है, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस पर है। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 2 कप जितनी पड़ी हुई है, जितनी डालनी है आप डाल लें, क्योंकि इस पर आपको मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ऐसी चीज़ों पर मेजरमेंट नहीं होती है, आपकी अपनी चॉइस पर होता है, ठीक है। तो ये मैं इस पर डालती हूँ पहले और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। चीज़ डाल लेने के बाद मैं इस पर डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी डाल रही, बिल्कुल चुटकी भर है, आप देख सकते हैं, गार्निशिंग के तौर पर है। तो समझे मेरे पास ये यहाँ पर 2 टीस्पून था, ठीक है, इसमें से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब इसके ऊपर डालूंगी ओरेगानो, ओरेगानो के बगैर तो कोई भी पिज्ज़ा उसका मज़ा नहीं आता, दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेकिन ये है कि ये मेरे पास 1.5 टीस्पून था भर कर, जितना इस्तेमाल हो जाता है हो जाए, बाकी आप इसको रख सकते हैं। इन चीज़ों की इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि कोई इतनी खास मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ हम स्प्रिंकल कर रहे हैं। अब उनको मैं प्री हीट कर चुकी हूँ, इसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इसे आप बेक करेंगे, आपने अवन का ऊपर ग्रिल और नीचे का ग्रिल जो है दोनों ऑन रखनी है, ठीक है, ताकि अच्छा सा कलर इसके ऊपर भी आ जाएगा और प्लस ये है कि साथ साथ ये बेक भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे मैं बेक करूँगी 15 मिनट के लिए और फिर मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो इसको बेक हो जाने दें, तो ये देख लेंगे फर्स्ट क्लास बेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, वो ये है कि इट डिपेंड्स कि अब आप बैंगन कितना मोटा काटते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बेक होने के लिए, ठीक है। अगर बारीक काटेंगे तो आपको कम टाइम लगता है, बारीक काट रहे हैं तो वही इसमें आपसे कहा है 15 से 20 मिनट, और ज़्यादा अगर थोड़ा मोटा काटेंगे तो 45 to 50 मिनट्स आपको लग सकते हैं, क्योंकि हमने बैंगन को अच्छे से सॉफ्ट करना है। ये अभी परफेक्टली तैयार हो गया, अब इसे कर लेते हैं हम डिश आउट। तो ये देख लें इसका जो बेक हो जाने के बाद रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। आप इसके अंदर में अगर वेरिएशन करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल, आप अपने पसंद की इसमें चिकन बॉईल करके डाल दें, श्रेड कर लें, ठीक है, सॉसेज काट करके डाल लें, शिमला मिर्च डालें, प्याज, जो भी स्वीट कॉर्न, ठीक है ना, ऑलिव्स, जो आपका दिल चाहे वो आप एज अ टॉपिंग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल प्लेन रखा ताकि आप इसको ट्राई कर सकें पहले। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।